पहले बनेंगे और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेंगे। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर आता है जो कि द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी तरह कोई इस पे बात नहीं करेगा क्योंकि जवान के सभी दीवाने हो रखे हैं। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री की सीरियस कहानी एक और आ चुकी है जिसमें रियल स्टोरी की बात की जा रही है द वैक्सीन वॉर, जहां नाना पाटेकर का आप सीरियस डायलॉग सुन सकते हैं, जहां बात हो रहा है किस प्रकार से जो है द वैक्सीन वॉर में जो है वैक्सीन को डेवलप किया जाएगा। 130 करोड़ लोगों की जान खतरे में है। क्या इंडियन मेडिकल सर्विस अर्थात जो है हमारे भारतीय जो है मेडिकल है, जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो सेव कर सकते हैं 130 करोड़ लोगों को? तो इसका आंसर था मीडिया के द्वारा नहीं। मतलब मीडिया ने इतना खूब जो है दुष्प्रचार किया था, दुष्प्रचार किया था, दुर्प्रभाव किया था हमारे इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियन जो डॉक्टर्स हैं उनको, इंडियन जो है जो हमारी सरकार है उसको। लेकिन क्या होता है आखिरकार वो डेवलप करते हैं ना, और वही बात है कि बात इसमें हो रही है कि क्या ये जो है लैब में बना हुआ वायरस जो कि म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन इतना ज़्यादा हो रहा था कि आप उसको वैक्सीन लगाया तो वो नया डेवलप हो जा रहा था, वो कुछ अपने आप में म्यूटेशन करते हुए बदलाव होता रहा था, और इस प्रकार से जो है चाइनीज लैब में इसको बनाया गया, ऐसा कुछ थ्योरीज आते हैं। तो देखते हैं कि विवेक रंजन अग्निहोत्री अपने द वैक्सीन वॉर में किस प्रकार से इसको प्रेजेंट करते हैं। और वही बात है कि ट्रेलर में जो है आपको कई सारे सीरियस सीन्स के सीरियल डायलॉग देखने को मिलते हैं, जहां फिर से जो है स्टार कास्ट जो कि नेशनल अवार्ड विनर्स की लिस्ट है वो विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में वापस आ रही है। बाकी तो जो है इसका ट्रेलर जो है अच्छा खासा लग रहा है। इसमें जो है स्ट्रगल दिखाया जाएगा किस प्रकार जो सिचुएशन इतना जो है क्रिटिकल हो गया था कि कोरोना वैक्सीन में महामारी की तरह जो है लोग इस प्रकार से जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। यहाँ जो चूहों के साथ जो है मंकी बंदरों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हो देख सकते हैं, जहाँ साइंटिस्ट भी सदमे में आ चुके कि वैक्सीन 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 क्या हमारे लाइफ में वैक्सीन के अलावा कोई और चीज़ नहीं है, जहाँ बोलते कि अगर वैक्सीन नहीं तो लाइफ ही नहीं, क्योंकि एंटीटोड नहीं आएगा तो फिर वायरस से आप बचोगे कैसे। इस प्रकार से जो है पता नहीं ये किस कहाँ से आया था वायरस, चीन द्वारा सच में इसको बनाया गया था, फिर ये थ्योरी कितना सच है इसको जो है आप सोच सकते हैं। इसको जो मूवी कितना जो है चर्चा में लाया जाएगा ये बताया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा, बाकी राज्यों के सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा क्या क्या इसमें फैसले किए, क्या राजनीतिक मुद्दों पे जो है मूवी सवाल उठाती है, क्या उसके बारे में ये जो है चर्चा करती है, ये देखना बहुत ही जरूरी होगा। ये देखना बहुत ही जो है हमें जो है अच्छा लगेगा देखने में कि अगर कुछ इसके बारे में टॉपिक उठा जाए, अर्थात क्योंकि सच्चाई दिखाने की बात है तो पूरी तरह सच्चाई दिखाओ, एक साइड का जो है पहलू मत दिखाओ, पूरा जो दो साइड का मतलब जो सच्चाई है उसी को सामने रखे। विवेक रंजन अग्निहोत्री उस चीज़ को रखने के लिए जाने भी जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से इस मूवी में जो है सच्चाई को दिखाया जाता है। इंडियन साइंटिस्ट ने जो प्राउड मूवमेंट हमारे क्रिएट किया था कि भारतीय जो है उपमहाद्वीप में जो है इतना कम बजट के साथ अपना खुद का वैक्सीन बनाया था, कोवैक्सीन बनाया था, जिसको जो है अन्य विदेशों में भी जो है बांटा गया था। इससे जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म और भारतीय जो है भूमि को जो है इससे बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हमें जो है हमारे साइंटिस्टों ने महसूस कराया था। तो देखते हैं कि किस प्रकार से विवेक रंजन अग्निहोत्री 28 सितंबर को रिलीज होने वाली द वैक्सीन वॉर में अपनी कहानी को प्रदर्शित करते दिखाते हैं। बाकी मूवी से कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मसाला मास मसाला एक्शन ड्रामा कुछ जो है मूवीज़ वगैरह म्यूजिक वगैरह, बाकी जो है एक केवल सीरियस कहानी डॉक्यूमेंट्री तरह आपको देखना है। और इसकी एंडिंग भी जो है विवेक अग्निहोत्री बोलते हैं क्लाइमेक्स मेरे मूवीज में होता नहीं है, ऑडियंस की जो है सोच है वो। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, आपने क्या ट्रेलर देखा नहीं देखा तो जाके देखिए, आप अपने कमेंट्स ओपिनियन में जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।